हेलो मेरे प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, कहा गया है भारत गांव का देश है। तो गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आपके मन में यदि सपने होंगे कि हम भी मेडिकल करें, डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम NDA में मेरा सिलेक्शन हो, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो, नेवी में मेरा सिलेक्शन हो, हम साइंटिस्ट बने, तो आपके लिए यह खुशखबरी है। आप अपने को कम मत आंकिए। गांव के बच्चे अक्सर अपने को कम आंकते हैं कि मेरे पिताजी उतने धनवान नहीं हुए कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है। आप गौर करो, देहाती अंडे अच्छे होते हैं कि फॉरम के अंडे अच्छे होते हैं, शहरी अंडे अच्छे होते हैं। आपके मन से जवाब निकलेगा कि देहाती अंडे अच्छे होते हैं, तो देहात के बच्चे देहाती अंडे हैं। आपके सामने एक देहात का बच्चा खड़ा है, मैं भी अब तो बच्चा नहीं रहा, लेकिन मैं भी किसी का बच्चा ही था। आप हो सकता है बेंच डेस्क पर पढ़े होंगे, बोरा पर पढ़े हैं, बोरा बिछा कर पढ़ने वाला विद्यार्थी आपके सामने है जो 23 वर्षों से पूरे पलामू प्रमंडल लाखों विद्यार्थियों को उनके मुकाम तक पहुंचाया है। पीएम आवास, पीएम ऑफिस से लेकर के, पीएम ऑफिस में भी एक विद्यार्थी सोनू सिंह है, से लेकर के जिस ऑफिस में घुसेंगे आप, पलामू साइंस सेंटर के विद्यार्थी आपको मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो 9th क्लास से हैं, 10th में हैं, तो 9th से ही, चूंकि कोरोना के कारण आप कमज़ोर हो गए हैं, वैसे तो पलामू साइंस सेंटर में 11th से पढ़ाई होता था, लेकिन कोरोना में चूंकि बच्चों का बेस कमज़ोर हो गया है, आप 9th में हैं, इसका मतलब कि आप जब 6th में थे तो कोरोना आया है, और उसके बाद गांव के बच्चे अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो आपके लिए ये खुशखबरी है। यदि आपके मन में कुछ सपने हैं और वो अपने हैं, आप उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात सोचते हैं, तो सपने सोचने से पूरा नहीं होते, सपने कुछ करने से पूरा होते हैं। आपके अंदर में खून नहीं, आपके अंदर में जुनून होनी चाहिए अपने सपने पूरा करने के। तो 9th 10th के विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है पलामू साइंस सेंटर नया बैच, जो 9th 10th 11th 12th पढ़ाएगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। अगर आप 9th 10th में हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, तो आप आएँ। और आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे से, चाहे जो DAV में पढ़ते हों, सेकेंड हैंड में पढ़ते हों, उनसे आपको तेज बनाकर दिखलाऊंगा। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कच्चा मिट्टी होता है ना, उससे घड़ा बना दो, उससे दिया बना दो, तो आप अभी वो कच्चे मिट्टी हैं। अभी आप राष्ट्रपति तक का सफ़र तय कर सकते हैं। अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे, वो दर्जी के यहाँ जन्म लिए थे, वो दर्जी का काम करते थे, रोज सुबह पेपर बेचते थे, और एक दर्जी का बेटा राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकता है, तो आप उनसे सुपर होंगे, या आप सुपर नहीं होंगे तो उनके कैटेगरी में भी होंगे। तो गरीबी कभी भी प्रतिभा को नहीं मार पाती है। यदि प्रतिभावान बच्चे के अंदर खून से ज़्यादा सफलता पाने की जुनून हो, और सफलता पाने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, मैं क्वेश्चन बहुत सारा बताऊंगा आपको जो शॉर्टकट ट्रिक से बनेगा, लेकिन सफलता पाने का शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है डियर, उसके लिए कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते? एक तबीयत से पछल पत्थर तो उछालो यारो, करो मत इंतजार कि कब सवेरा हो, उठो जागो आओ, हम सब मिलकर जल जाएं वहाँ जहाँ युगों से अंधेरा हो, बनकर शिक्षित कर दो विकसित जहाँ में सबसे आगे भारत देश हमारा हो। तो पढ़ाई का एक माहौल तैयार करें, आप पढ़ें, अपने अगल बगल वाले को पढ़ाएं, आप भी बढ़ें और सबको आगे बढ़ाएं। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे तेज होते हैं, बस उनमें एक हीन भावना भर दी जाती है कि तुम हिंदी में पढ़े हो। जिस प्रकार से फॉरम के अंडे से देहाती अंडे अच्छे होते हैं, तो आप प्रयास करें, अब करोगे प्रयास तो पूरा होगा आश, मेरा है विश्वास।
चलो ना मिलकर करते हैं एक प्रयास। पलामू साइंस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। नाइस बाय।